बॉक्स मैं हूँ पूजा राठी और आज मैं हूँ अपने खुद के घर पे, मतलब मैं हूँ अभी हिसार हरियाणा में। सो मैं अभी अपने घर आई हुई हूँ और पता नहीं, मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट करते हैं घर पे आने का, पता नहीं क्या करूंगी बिकॉज यहाँ पे तो हम नॉर्मल अच्छे डिसेंट बन के रहते हैं। वैसे मैं डिसेंट ही हूँ बट इन द सेंस, और आज घर पे कीर्तन भी है तो मुझे लगा कीर्तन मतलब छोटा मोटा मेरे घर पे रोज चलता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब रोज 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 ही चलता है। मेरी मम्मी कृष्ण भक्त हैं जो बहुत ज़्यादा कृष्ण को बिलीव करती हैं, और ये है मेरा डॉगी जो मैंने यहाँ पे आके इसको फ्रेंड बनाया है, इसका नाम जैकी है, मतलब मम्मी ने बनाया था फिर आके मेरी भी इससे फ्रेंडशिप हो गई। सो ये हमारा सारा दिन घर के बाहर ही रहता है, इसको घर के अंदर अलाउ नहीं है, आ जाता है घूम फिर के कभी कभी, मतलब कुछ प्यारा सा बच्चा है, ये प्यारा सा बच्चा है। और मैं आपको थोड़ा बहुत मेरा घर दिखाती हूँ, मतलब अंदर से अभी नहीं, वो मैं बाद में शायद करूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मंदिर। ये मेरा पोस्टर है जो मेरे स्टेयर्स पे लगा है, और मेरा घर चार फ्लोर का है, मैं चार पता नहीं चढ़ूंगी नहीं चढ़ूंगी। और यहाँ पे अभी थोड़ा कीर्तन वीर्तन की तैयारी के लिए मेरी दादी यहाँ पे बैठी है। ये है मेरा मंदिर, चप्पल काटे बहुत ही खूबसूरत है ये, बिकॉज सी मैंने बताया ये मेरे कान्हा जी हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, अगर पास से देखोगे तो इनके फेस पे इतना ज़्यादा तेज है और सी बहुत खूबसूरत है। ये हनुमान जी हैं और ये मम्मी के गुरु जी हैं। सो ये मेरा मंदिर है और अभी कीर्तन वीर्तन होगा, थोड़ा बहुत वो शूट करूँगी। मुझे पता है मेरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है जो कीर्तन वीर्तन में बिलीव करे, बट मुझे लगा एक छोटा सा ये ना टूर टाइप होना चाहिए। ये दिशा है, ये हम हैं, ये हम हैं और यहाँ कीर्तन हो रहा है, यहाँ कीर्तन होने वाला है। ओके सो मैं आपको मेरा टेरेस गार्डन दिखाती हूँ। आज टेरेस गार्डन की सफाई नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि ये कीर्तन वीर्तन की तैयारी, मम्मी और गाँव गए थे, बाकी सब फ्लोर्स बाद में दिखाऊंगी। सो ये है मेरा टेरेस गार्डन, मैंने पहले बताया था सफाई नहीं हो रही थी। सो ये दिशा का रूम है और जिसको हम बाद में दिखाएंगे, अंदर कुछ भी हो सकता है, तो दिशा का रूम है और दिशा मेरा भी था और, लेकिन और, मुझे पराया कर दिया गया। और ना यहाँ पे चिड़िया ने बच्चे दिए इसके अंदर, मुझे नहीं पता इसके अंदर। ये सारे प्लांट्स मेरे पापा के हैं, इनकी केयर, सब प्लांट्स की केयर मेरे पापा करते हैं। अली रे अलग सी वाइब्स होती है जो मुंबई में आपको कभी नहीं मिल सकती, बिकॉज मुंबई में इतनी भाग दौड़, काम की टेंशन, किस किस चीज़ की टेंशन, बट यहाँ पे इतना पीस है। और स्पेशली मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ यहाँ पे ही टेरेस गार्डन पे, बिकॉज इतनी ग्रीनरी है और सुबह और शाम यहाँ पे म्यूजिक चलता है। सो यह सनराइज सनसेट, ये फाउंटेन है, एक और फाउंटेन भी है पता नहीं वो ना, यहाँ पे भी एक फाउंटेन पापा ने ही बनाया है सब। इतना पीसफुल है और घर पे यही सब दिखाने को मिलता है, यहाँ पे वार्डरोब्स वगैरह तो है नहीं दिखाने को, सो या यही सब है दिखाने को। बाकी मैं कोशिश करूंगी इसमें काफी सारी चीजें कैप्चर करूं, बिकॉज ये घर का व्लॉग है जिसका नाम मैं रखूंगी मैं घर पे हूँ। सो ये सभी थोड़ा सा कीर्तन वीर्तन कैप्चर करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैप्चर करेंगे। बस अगर आप रोज भगवान का नाम लेते हैं तो आपको जो भी चाहिए होता है वो बहुत आसानी से मिलता है और आपको बहुत शांति मिलती है आपके दिल को। तो ये मम्मी बोलते हैं, मतलब दिशा तो रोज पूजा करती है, ये रोज पूजा करती है, मेरी मम्मा तो मतलब बहुत घंटे देती है पूजा में, मेरे डैड भी अच्छी खासी पूजा कर लेते हैं,
मैं बहुत कम करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. मेरे मन में विश्वास बहुत ज्यादा है बट मुझे पूजा पाठ थोड़ी कमी होती है. तो इसके लिए करना चाहिए बच्चों को भगवान का. भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में. जो कुछ है भगवान है. मेरे लिए जो कुछ है मेरे माँ बाप है. माँ बाप होते हैं बच्चों को. भगवान भी मेरे माँ बाप ही है. बच्चों के सिर पे हाथ माँ बाप रखते हैं परंतु अपने से बड़े अपने पिता परमात्मा भगवान सब कुछ हमारे. ये मेरी मम्मी मानती है कि सब कुछ भगवान है. लेकिन मैं भगवान से भी ज्यादा अगर किसी चीज पे बिलीव करती हूँ तो वो है ह्यूमैनिटी, जिसको बोलते हैं इंसानियत. मैं उस पर ज्यादा बिलीव करती हूँ. अपने माँ बाप पे ज्यादा बिलीव करती हूँ. मुझे लगता है कि जितना टाइम मैं पूजा पाठ को दूँ उससे ज्यादा टाइम मैं उन लोगों की सेवा में लगा सकूँ जिनको एक्चुअल में हमारी जरूरत है, जिनके पास शायद खाने के लिए नहीं है या जिनके पास काम नहीं है या फिर जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सेवा करने में मैं ज्यादा बिलीव रखती हूँ. आपने देखा भी होगा. और मेरे लिए भगवान मेरे माँ बाप ही हैं. क्योंकि मुझे जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए होता है वो मिलता है. हमें हमारे दिमाग का हमारी मन की शांति मिलती है. तो मुझे जब भी मन की शांति चाहिए होती है मैं अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ. जब भी मुंबई में होती हूँ मुझे शांति मिल जाती है. और मुझे जो भी चाहिए होता है मुझे सब कुछ इन्होंने ही दिया है. बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी सोच है. भगवान आपको बहुत अच्छी बनाए रखे. अच्छी कृपा करे आपके. हो रहा है बहुत अच्छा लगा. मेरे लिए सब कुछ ही सो ये है मेरी मम्मा जो कीर्तन से पहले इत्र लगा रही हैं सब भगवानों को ताकि वो महकते रहें. संगी कंचन वरन विरा